हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर एट लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं a प्लस बी की होल पावर n, इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स थी? n प्लस 1। तो उस n प्लस 1 टर्म्स में से आखिर कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, मतलब कौन सी टर्म बीच में आएगी, उसकी बात मैं इस लेक्चर में करूँगा। और कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम जो हमने लेक्चर 2 में बातें सीखी हैं, लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड मिसलिनियस प्रॉब्लम मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो a प्लस बी की होल पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 की टोटल टर्म इज n प्लस 1। अब n प्लस 1 में मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म कौन सी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि n इवन है या n हमारे पास ऑड है। पहले केस लेते हैं कि भाई n अगर अपने पास इवन है, जैसे एग्जांपल के लिए लो, मान लो n अपने पास 10 है। n अपने पास अगर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 11। यस, अब नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गई तो विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म, सिक्स टर्म। पांच इधर, पांच इधर, बीच में कौन बचा? सिक्स नंबर। यस, मान लो n इज इक्वल टू 24, मान लो n इज इक्वल टू 24, इवन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 25। अब 25 में 12 इधर, 12 इधर, बीच में कौन बचा? 13th। तो विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म, विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म? 13th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। यस, तो इफ n इज इवन, n अगर हमारे पास इवन नंबर है, देन n बाई 2 प्लस 1th टर्म, जैसे मैंने n पहले क्या लिया था? 10, तो 10 बाई 2, 5 प्लस 1, 6th टर्म मिडिल टर्म आई थी। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या लिया था? n 24, तो 24 अपॉन 2, 12 प्लस 1, 13th टर्म मिडिल टर्म आई थी। तो इफ n इज इवन, n प्लस 2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म, कि हमारे पास क्या है? दिस टर्म विल बी मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, यस और नो? अब दूसरा केस में लेता हूं, n अगर मेरे पास ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई। यस, अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई तो बीच में एक तो कोई होगी नहीं। जैसे एग्जांपल सोचो, मान लो n 9 ले लेता हूं मैं, सपोज करो n 9 ले लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 10। अब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 10 हो गई तो बीच में तो कोई ठीक ठीक नहीं आ रहा, लेकिन कौन कौन सी टर्म मिडिल टर्म है? फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, भाई फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो इफ एन इज ऑड वी हैव टू मिडिल टर्म्स, इफ एन इज ऑड वी हैव टू मिडिल टर्म। जैसे एन 9 है तो पहली मिडिल टर्म कौन सी है? फिफ्थ, मतलब 9 प्लस 1 बाई 2। तो एन अगर ऑड है तो एन प्लस 1 बाई 2th टर्म इज फर्स्ट मिडिल टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म इज फर्स्ट मिडिल टर्म, ठीक। और दूसरी कौन सी है? इसके अगली, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म इज अवर सेकेंड मिडिल टर्म। तो इसका मतलब मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान है, मिडिल टर्म डिपेंड ऑन n, इफ n इज इवन, n बाई 2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक। इफ n इज ऑड देन n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, देर आर टू मिडिल टर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि 2a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a की पावर 18, ठीक, विच टर्म इज द मिडिल टर्म, कि भाई कौन सी टर्म हमारे पास मिडिल टर्म होगी। तो n इज 18, यस, n हमारे पास क्या है? 18। तो n बाई 2, 18 बाई 2 प्लस 1th टर्म, मतलब t10 विल बी द मिडिल टर्म, कि हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म। यस, अब मिडिल टर्म हमारे पास 10th होगी तो 10 के लिए r कितना है? 9, मतलब 10 को हम क्या लिखेंगे? टी 9 प्लस 1, आर कितना है? 9। तो ये हमारे पास क्या होगा? 18 सी 9, गॉट इट, 2 ए स्क्वायर की पावर 9 माइनस 1 अपॉन ए की होल पावर 9।
डू कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा यस और नो, हाँ या ना। ठीक, जैसे मान लो इसका मुझे कोई एग्जांपल लेना है, एन ऑड वाले का, एन ऑड वाले का कोई एग्जांपल लेना है, जैसे एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 13, सही। तो एन मेरे पास क्या है यहाँ पे 13, तो विच टर्म विल बी द फर्स्ट मिडिल टर्म, 13 प्लस 1 बाई 2 मतलब T7, मतलब कौन सी, T7 इज द फर्स्ट मिडिल टर्म एंड T8 इज द सेकेंड मिडिल टर्म, कि भाई T7 हमारे पास पहले मिडिल टर्म है और T8 हमारे पास सेकेंड मिडिल टर्म है। वॉट शुड बी T7, कि भाई ये T7 हमारे पास आखिर क्या होगा, T7 के लिए R कितना है बच्चों, 6, सो 13C6 एक्स अपॉन वाई की पावर 13 माइनस 6 विच इज 7, y अपॉन x की पावर 6, दिस इज अवर T7। वॉट शुड बी T8, T8 के लिए r कितना है 7, सो 13C7 x अपॉन y की होल पावर 6, y अपॉन x की होल पावर 7, सो दीज आर द टू मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। मिडिल टर्म निकालने आई बच्चों, हाँ या ना, सबसे आसान काम है मिडिल टर्म निकालना। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं कि कोफिशिएंट निकालने वाले किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम यहाँ देख सकें। ठीक, और बाकी तरह तरह के क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-1 की पावर 20। ठीक, और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1 की होल पावर 11। ठीक, तो फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन एंड फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, आप पहले इन दोनों को अपने आप ट्राई करिएगा, तभी आप इसके सॉल्यूशन चेक करना। ठीक, अब नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स पहले वाले में, अब ये जो है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो है नहीं, ये तो कुछ चार टर्म हमें दे रखी हैं और उसकी पावर 20 कह रहा है, तो बाइनोमियल से कैसे हम इसे ला सकते हैं, ध्यान से देखो ये क्या है, x-1³, क्या है ये, x-1³, तो ये हो गया x-1 की पावर 60, क्या हो गया ये, x-1 की पावर 60। अभी x-1 की पावर 60 हो गया तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितनी होंगी, 61। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 61, यस और नो, कि नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म विल बी 61, गॉट इट। चलिए इसकी बात करता हूं कि x² + 1/x² + 1 की होल पावर 11, इसमें डिसिमिलर टर्म्स कितनी है। अब आपको कहो सर यहां तो फॉर्मूला बन रहा था, यहां तो वो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा यार, x² + 1/x² + 1 दे रखा है और तीन टर्म है, दो टर्म के लिए आपने सिखाया है और यहाँ दे रखी है आपने तीन टर्म, तो क्या करें, क्या करें बताओ, क्या सोचा जाए। अब देखो दिमाग लगाओ, अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता, मान लो 1 नहीं होता 2 होता, तो क्या नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स पे कोई फर्क पड़ता, भाई 2 होने से सिर्फ और सिर्फ कोफिशियंट चेंज होते, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स तो उतनी ही रहती हमारे पास, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था हमारे पास। अब नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो 2 में जितनी टर्म्स होंगी उतनी 1 में टर्म होंगी। अब 2 में होने से ये अंदर वाला क्या हो गया, x + 1/x² यस, होल स्क्वायर की पावर 11 कर रहे हैं तो कितना हो गया, 22, यस, तो इसमें नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितनी है, 23। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितनी होंगी,
23। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ या ना, यस और नो, गॉट इट, पक्की बात? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लिखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोफिशियंट ऑफ, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 10। फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 5 कि एक्स की पावर 5 में इसका कोफिशियंट हमारे पास क्या होगा, कि एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो किसी भी एक्सपेंशन में हमें पहले आप इसे ट्राई करो अपने आप कि कैसे करेंगे, ठीक। अब देखो किसी भी एक्सपेंशन में हमें किसी भी एक्स का कोफिशियंट अगर हमें निकालना हो तो कोफिशियंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे हमें कोफिशियंट निकालना है हम इसकी हमेशा जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल टर्म। अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी? इसकी जनरल टर्म होगी 10 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। यस, दिस शुड बी द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब ये इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म है। वापस और लिख लेते हैं, एक्स को समेट लेते हैं। एक्स की पावर 20 माइनस 2r और ये हो जाएगा माइनस 3r, ठीक। तो ये हमारे पास जनरल टर्म एक तरीके से क्या आ गई, 10 सी आर एक्स की पावर 20 माइनस 5r। हाँ या ना, आया नहीं आया ये? अब देखो मुझे इसमें x की पावर 5 का कोफिशियंट चाहिए। क्या चाहिए? x की पावर 5 का कोफिशियंट। x की पावर 5 के लिए ये जो टर्म है ये टर्म 5 होनी चाहिए मेरे पास, कि भाई ये टर्म अगर 5 हो गई तो कोफिशियंट निकल जाएगा, हाँ या ना। तो ये 5 होने के लिए 20 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 5। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r? भाई 5 इधर गया, 3। द वैल्यू ऑफ r विल बी 3। यस, अब r की वैल्यू 3 है तो व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 5? r को 3 रख दो तो कोफिशियंट ऑफ x की पावर 5 इज 10 सी 3। कि x की पावर 5 का कोफिशियंट कितना है? 10 सी 3। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक, चलो इसी में सेकंड पार्ट में पूछता हूं। फाइंड कोफिशियंट ऑफ x की पावर 15 कि भाई x की पावर 15 का कोफिशियंट क्या होगा, बताओ। अब 15 के लिए ये जो टर्म है 20 माइनस 5 आर, ये कितना करना चाहिए हमें? 15। ये 20 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 15, तो r कितना आ जाएगा? 1। r 1 आ गया, r 1 रख दो तो व्हाट इज द कोफिशियंट? 10 सी 1 कि कोफिशियंट ऑफ दिस विल बी 10 सी 1। बात समझ में आई? यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके का, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 3/2x² माइनस 1 अपॉन 3x की होल पावर 9। 3/2x² माइनस 1 अपॉन 3x की पावर होल पावर 9। फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कि जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है वो टर्म हमें बतानी है। x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना मतलब x की पावर 0 का कोफिशियंट बताना। भाई x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना मतलब x की पावर 0 का कोफिशियंट बताना कि भाई x की पावर 0 का कोफिशियंट क्या है। अब x की पावर 0 कोफिशियंट क्या है उसके लिए वापस हम इसकी जनरल टर्म लिखें। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 9 सी आर 3/2x² की पावर 9 माइनस आर, ठीक।
माइनस वन अपॉन थ्री एक्स की पावर आर, गॉट इट। एक्स वाले समेट लो पहले, तो यहां पे क्या होगा, एक्स की पावर 18 माइनस टू आर माइनस आर, एक्स की पावर 18 माइनस थ्री आर, और बाकी समेटेंगे तो क्या होगा, 9 सी आर 3 बाय 2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर, बाकी रायता हमारा ये समेटने में आ गया। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो 18 माइनस 3r को मैं क्या रख दूं, 0, तो r मेरे पास कितना आ गया, 6, r मेरे पास कितना आ गया, 6, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 6 करूंगा तो x की पावर 0 मिल जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो बस r को 6 रख देते हैं, r को 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 9c6 3 बाय 2 की होल पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 6, डू कैलकुलेशन, यू हैव द आंसर, हाँ या ना। चलिए इसी में ही फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए ये चीज 2 होनी चाहिए थी, तो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 2, तो r कितना आ गया, 16 बाय 3। अब क्या r 16 बाय 3 हो सकता है, बताओ सोच के, r 16 बाय 3 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहां पे है ही नहीं, एक्स स्क्वायर यहां पे है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ या ना, पक्की बात, समझ में आई बात, यस और नो, ठीक, चलो बढ़िया। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। चलिए एक मैं आपको तूफानी प्रॉब्लम कराता हूँ, फंडू प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन एडवांस में आई हुई है, तो हम, मुझे तो पता है कि एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है, जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर, या 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, m और n दोनों इंटीजर हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है 2 से बड़े भी, कुछ जरूरत नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी लिख लिया मैंने, ठीक है, m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों 3 से बड़े हैं, ठीक, तो इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या होगा, व्हाट शुड बी द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक्सपेंशन ये है, एक एक्सपेंशन ये है, आप कहोगे सर बाप रे बाप क्या क्वेश्चन दे दिया, ये कोई बात है कि ऐसे एकदम उठा के क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यहाँ पे दो एक्सपेंशन हैं तो दोनों एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखवा, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, एम सी आर वन करके लिख लेते हैं, एक्स की पावर आर वन, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, एन सी आर वन माइनस एक्स की पावर, ये आर वन की जगह आर टू लिख लेते हैं, ये आर टू लिख लेते हैं, तो एक्स की पावर क्या बना, एम सी आर वन एन सी आर टू, एक्स की पावर आर वन प्लस आर टू और माइनस वन की पावर आर टू, ये बन गया, यस और नो। अब देखो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स की पावर आर वन प्लस आर टू, इसका टू होना जरूरी है, यस। अब एक्स की पावर आर वन प्लस आर टू टू होने के लिए हमारे पास क्या क्या केस बनते हैं, कि आर वन टू हो जाए आर टू जीरो हो जाए, आर वन वन हो जाए आर टू भी वन हो जाए, आर वन जीरो हो जाए आर टू टू हो जाए, ये तीन केस बनते हैं, सही। आर वन जीरो टू लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, एम सी टू इंटू एन सी जीरो, एन सी जीरो इज़ वन, ठीक, और यहाँ आर टू जीरो है तो ये प्लस में आएगा, वन वन लिखा तो ये माइनस हो गया, एम सी वन इंटू एन सी वन, सही बात, और ये जीरो लिखा तो ये हो गया एन सी टू, द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एम सी टू माइनस एम सी वन इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू, बात आई समझ में, हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे,
एग्जाम्पल नंबर 5, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं एडवांस में कोफिशेंट निकालने वाले बायनोमियल में, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने कोफिशेंट पे ही अटैक किया है। तो कोफिशेंट निकालना हमें आ गया तो मतलब बायनोमियल का आधा काम तो हमारा हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि क्या लिखें, एक क्वेश्चन ये लिखे चलो कि 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/9, ठीक, कि होल पावर क्या लिखा जाए, 99, चलो 99, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स से फ्री का मतलब उसमें 1/3 या 1/9 पावर हमारे पास नहीं आनी चाहिए, सही, वो आई तो वो रूल आउट हो जाएगा मामला। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, इसकी भी हम जनरल टर्म लिखते हैं, इसकी जनरल टर्म लिखी 99 CR 7 की पावर 1/3 की पावर 99 माइनस आर 11 की पावर r/9, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया, इसे और लिख लेते हैं थोड़ा सिंपल, 99 CR 7 की पावर 33 माइनस r/3 11 की पावर r/9, यस, ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 7 की पावर 33 अलग लिख लेता हूँ और 7 की पावर -r/3 अलग लिख लेता हूँ। फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब पावर 1/3, 2/3 इस तरह की नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो है ये एक होल नंबर होना चाहिए, सही बात। अब ये एक होल नंबर होना चाहिए तो इसके लिए होल नंबर होने के लिए r3 का मल्टीपल होगा और इसके लिए r9 का मल्टीपल होगा, और दोनों ही होने के लिए r किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 99 तक है। अब 0 से लेके 99 तक कितने 9 के मल्टीपल हैं, 9 खुद, 9, 18, 27, 36, अप टू 99, 9 से लेके 99, 11 वो हो गए और एक ये 0, कितने हो गए, ये एक ये 0। तो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स इज 12, कि देर आर 12 टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चों? तो बच्चों मैंने जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, ये तरह तरह के आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं, वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल है, ये वेराइटीज ऐसे ही नहीं मिलती है, खूब एक्सपीरियंस के बाद इतनी वेराइटीज मिलती है, ठीक। और कौन सी वेराइटी आपको देनी है, कौन सी वेराइटी आपको नहीं देनी है, वो भी एक्सपीरियंस से पता होता है। तो मैंने आपको सारी वेराइटी इसमें आपको दी है, इसके बाद आप अपनी जो शीट DBP जो भी है आपके पास या कोई बुक आप फॉलो करते हैं तो उसमें बायनोमियल के थ्योरम से या कोफिशेंट से या मिडिल टर्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सही बात। तो आप उन्हें अटेम्प्ट करिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए, जो क्वेश्चन आपसे हुए अच्छी बात है, नहीं हुए आप उन्हें पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे बायनोमियल थ्योरम समझ में आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।